हमें किसानों के बारे में हमेशा हैशटैग्स लगाने की आदत हो गई है, हमें सिर्फ फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप में इनके प्रति भावनाएं जाहिर करने की आदत सी हो गई है, हमें वो आदत शायद बदलनी होगी। बाहर निकलिए ट्विटर से, बाहर निकलिए फेसबुक से, बाहर निकलिए व्हाट्सएप से, ये हकीकत है। ये वो लोग हैं जिनको आपकी ज़रूरत है। अगर आज आप इन लोगों के साथ नहीं खड़े हुए, आने वाले 10 सालों में किसान जो भी है, जितना भी हिंदुस्तान में किसान है, वो मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और शायद किसान शेर की कहानी की तरह किताबों में रह जाएंगे। गाजा तूफान के गुजरे आज 11वां दिन है। यहाँ पे एक ऐसी जगह है जो सड़क से सिर्फ आधा किलोमीटर अंदर है, लेकिन अभी तक यहाँ पे ना कोई एक मीडियाकर्मी आया, ना यहाँ पे सरकारी महकमा आया, ना ही यहाँ के जो लोकल एमएलए हैं वो आए। इससे भी बहुत ज़्यादा दुखद बात यह है कि 3,000 करोड़ रुपए देके एक स्टैचू बना दिया जाता है गुजरात में, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं उनको 300 रुपए या फिर 30 रुपए का एक खाना तक नहीं पहुँचाया गया है। ये दुविधा है हमारे हिंदुस्तान की। ये एक ऐसा स्कूल है जहाँ के आसपास बहुत छोटे छोटे कस्बे थे, 2 ऐसे गांव हैं जो तमाम लोग मजदूर हैं, बड़े खेतों में काम करते थे, छोटे छोटा काम करते थे, जिनको दिन की दिहाड़ी 200 से 300 रुपए मिलती थी, उससे ये अपना गुजर बसर किया करते थे। हमें ये पता पड़ा कि यहाँ का जो लोकल महकमा है, जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने गाजा तूफान के फौरन बाद यहाँ पे इन लोग को ला के पटक दिया। पर परिवार सिर्फ 2 किलो चावल दिया गया, उसके अलावा कुछ नहीं दिया गया। और वो दिन है और आज का दिन है, वो सरकारी लोग, वो लोग जो इनको यहाँ पे लेके आए, वो वापस लौट के नहीं आए, इनको अपने पर ही छोड़ दिया गया है। जो आसपास के गांव हैं, जो जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, अगर उनको इनका ख्याल आ जाता है तो कुछ खाना इनको लाके दे दिया जाता है, वो भी इतना कम है कि इन सबको मिल बाँट कर वो आधी रोटी, वो एक रोटी ही इनको मिलती है। बच्चे करहा रहे हैं, कुछ 50 से भी ज़्यादा छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं जो बार बार अपने माँ बाप से ये पूछते हैं कि अगला खाना हमें कब मिलेगा। इन लोगों की दुविधा इतनी ज़्यादा है, इनकी भाषा अब तक नहीं पहुंच सकती है, इसीलिए मुझे ज़्यादा बोलना पड़ रहा है। फिर भी हम कोशिश करेंगे इनसे मिलके बात करके आप तक वो बातें पहुंचानी जो शायद आप इनके इमोशंस में समझ सकेंगे। इट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग टू सी पीपल वेन यू विजिट दिस डेल्टा एरिया, एंड द एक्चुअल कंडीशन ऑफ दिस एरिया हैड नॉट रीच टू द राइट पीपल। When we were traveling in this area, people are giving food, shelter, and many things only for the people who are on the main roads. People like NGOs and other activists are not entering into these areas. Like, this place is extremely rooted. Like, if you see the main road, it is about 0.5 kilometer inside. Even 0.5 kilometer also, people are not traveling. They have no electricity. Around 40 odd families are living in this school for the last 10 days. They don't have water, they don't have electricity, they don't have even food. So, yetna naala inge irukinga? 5-6 naala che. சாப்பாடு எங்களுக்கு ஒன்றுமே கிடைக்கல சார். நாங்கள் வந்து எல்லாம் இந்த பள்ளிக்கூடத்துல எல்லாம் படுத்துருக்குறோம், எந்த சாப்பாடு சாப்பிட்டும் எங்களை யாரும் வந்து எங்களை பார்க்கல. எங்கள் பிள்ளை குட்டியெல்லாம் எல்லாம் அதான் அழுதுகிட்டு தவிச்சுக்கிட்டு, தண்ணி இல்லாமல் கஞ்சி இல்லாமல் நாங்கள் எல்லாம் இந்த பள்ளிக்கூடத்துலாம் எல்லாம் வந்து படுத்துருக்குறோம். சாப்பாடு அந்த வசதியே இல்லாமல் தான் எல்லாமே 100 அடிக்கு இவ்வளவு தான் கொடுப்பாங்க சாப்பாடு. அதை சாப்பிட்டுட்டு அது கூட பத்தாமல் ஒவ்வொரு நேரமும் அழுகுங்க, பசிக்குது அப்படின்னு. அது கூட வசதி இல்லாமல் தான் இந்த கிராமம் இருக்குது. ஆனால் எந்த அரசாங்க அதிகாரிகளும் யாருமே இது வரைக்கும் வந்து பார்த்ததே இல்லை. யாரும் வந்து பார்க்கல. ஆமாம், இந்த ஓபிசியோடு வந்தார் அலுவலகத்துக்கு, இந்த மனவயலுக்கு வரல. ஃப்ரம் ஹவு மெனி டேஸ் யூ ஹியர்? Yeah, more than nine days. Still now, is there any electricity here? Still now, we doesn't have any electricity. Okay. It will be take more than 15 days will be here. Okay. Get electricity. So whatever shelters you had, everything is gone? Everything. We lost myself and my livelihood, all things. Livelihood is gone now. Okay. So what are you doing for your food and other stuff? First 4 days we faced lots of problems. After 4 days, I got a charge of something somewhere for in mobile charges. After that, I connected with my friends. They provide every day. They provide food and even basic items like that. Even yesterday also they given some foods. So then only we can match
my normal life. So you're not able to cook anything here? We can able, but I don't have a, we don't have a things to cook, proper things to cook. Help reaching you properly or no? No. Okay. Any government official came here? No. Any politician came here? No, no. No one no, came here? No, no one came. Okay. Any celebrity, anyone who, no, who no, just no visited one. No one, no one. देखिए जहाँ पर मैं बैठा हूँ ये एक जगह है पुदुकोटई से बहुत करीब. यहाँ पे जो लोग आते हैं वो सिर्फ मेन रोड पे जाते हैं, उसके बाद कहीं नहीं आते हैं. मेन रोड से कुछ आधे किलोमीटर दूर ये जगह है. जो जितने भी एनजीओज हैं, जितने भी सरकारी महकमे हैं, वो लोग नहीं आते हैं यहाँ पे. कुछ 40 से भी ज़्यादा परिवार इकट्ठे यहाँ पे रह रहे हैं. इनके जितने भी झुग्गी झोपड़ियाँ थीं, जितने भी घर थे, मकान थे, वो सब ढह गए हैं, वो सब पानी में बह गए हैं. इनको दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है, यही यहाँ की हकीकत है. एक जनाब ने अभी मुझे यहाँ ये बताया कि यहाँ पे हम तकरीबन 500 लोग हैं, लेकिन जो हमें खाने को मिला है वो सिर्फ़ 200 लोगों को मिला है. यानी कि जो 500 लोगों का खाना था वो 200 लोगों में सिमट के रह गया, जिस उस खाने को इन तमाम लोगों ने बांट कर खाया है. और यही यहाँ की स्थिति है. हमें किसानों के बारे में हमेशा हैशटैग्स लगाने की आदत हो गई है. हमें सिर्फ फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप में इनके प्रति भावनाएं जाहिर करने की आदत सी हो गई है. हमें वो आदत शायद बदलनी होगी. बाहर निकलिए ट्विटर से, बाहर निकलिए फेसबुक से, बाहर निकलिए व्हाट्सएप से. ये हकीकत है, ये वो लोग हैं जिनको आपकी ज़रूरत है. अगर आज आप इन लोगों के साथ नहीं खड़े हुए, आने वाले 10 सालों में किसान जो भी है, जितना भी हिंदुस्तान में किसान है, वो मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और शायद किसान शेर की कहानी की तरह किताबों में रह जाएंगे. यहाँ के जो लोग हैं इनकी वो तमाम जो मुश्किलात हैं, इनको जो ज़रूरत है, वो सब हम कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं. इनको ज़रूरत क्या है वो पूरी की पूरी लिस्ट इसमें आ रही है. इन लोगों की जो बेसिक ज़रूरत है वो क्या है, और इसके बाद आप हो सके तो यहाँ आने की कोशिश करें. अगर नहीं आ सकते हैं, कृपया करके ऐसा कुछ अरेंजमेंट करें कि इन तक वो मदद पहुंच सके. इसमें उसकी एक छोटी सी कोशिश थी ये कि जो कुछ भी हम दो दिन में इकट्ठा कर पाए, वो तमाम चीज़ें हम यहाँ पे लेके आए हैं. चादरें हैं हमारे पास, हम जो मच्छर अगरबत्ती है वो है, कैंडल्स हैं. ये तमाम छोटी छोटी चीज़ें जो हमको मिल पाई, इकट्ठे कर पाए हम तमाम अपने साथियों के द्वारा, हम यहाँ लेके आए, पहुँचा पाए, ये हमारी संतुष्टि है. लेकिन ये इनकी ज़रूरत यहाँ पर ख़त्म नहीं होती. इनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है. यहाँ पर खाने पीने की इतनी ज़्यादा किल्लत है. इनको वो चाहिए, इनको धान चाहिए, अनाज चाहिए, वो तमाम किचन का सामग्री चाहिए जो इनको मिले और ये अपना खाना शुरू कर सकें. इसके अलावा इनको पैसों की भी ज़रूरत है ताकि अपना नया घर, नया बसेरा बना सकें, क्योंकि तमाम ये झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे वो सब नष्ट हो चुका है. इसके आगे कुछ नहीं है. जैसे मैंने पहले कहा था, कमेंट बॉक्स में हम यहाँ का विवरण, यहाँ का अता पता सब लिखेंगे. आप कोशिश करें किस तरह से आप इनसे इनके पास पहुँचेंगे. हमारी जितनी कोशिश तो बहुत छोटी है, आप बहुत ज़्यादा लोग हैं. अगर आप मन लगाएं तो शायद इनकी काया पलट सकती है. गाजा जो तूफ़ान है ये शायद उत्तर भारत तक ये नाम पहुंचा भी ना हो. अगर हो तो गनीमत है, क्योंकि मीडिया ने इसको सही तरह से प्रेजेंट नहीं किया. जो यहाँ का सरकारी महकमा है उसने भी गलत गणित आप तक पहुँचाया है. एक खबर तो ये भी आई थी कि सिर्फ 100 से 110 पेड़ ही यहाँ पे गिरे हैं पुदुकोटई के पूरे डिस्ट्रिक्ट में. ऐसा है नहीं, यहाँ पे लाखों पेड़ गिरे हैं, लाखों घर उजड़े हैं. ये तमाम लोग आज सड़कों पर हैं, आपकी मदद इनको पुकार रही है. कृपया करके इस वीडियो को इतना शेयर करें कि इनकी जो मुसीबत है वो जल्द से जल्द सुलझ सके. बने रहें हमारे साथ रूस्ट न्यूज़, जो आपको तमाम खबरें दिखा रहा है अफेक्टेड गाजा अफेक्टेड इलाके से, जो आपको शायद कहीं और नहीं देखने को मिल पा रहा है.